चैनल सो आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक राइट हियर। सो ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक है एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, आई एम नॉट ट्राइंग टू लुक लाइक हर। उनके फीचर्स और मेरे फीचर्स काफी ज्यादा डिफरेंट है, उनका स्किन टोन अलग है, मेरा स्किन टोन अलग है। दिस इज जस्ट एन इंस्पायर्ड मेकअप लुक और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पे, होप आपको पसंद आएगा। और ये काफी ज्यादा ड्यूई ग्लोई मेकअप लुक है, सो अगर आप पार्टी में जा रहे हो या फिर आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो तो आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो ये मेकअप लुक काफी ज्यादा अच्छा है और इतना ज्यादा हैवी नहीं है, काफी सटल है। लाइक कुछ लोगों के लिए हैवी हो सकता है बट ये जो मेकअप है काफी सटल है। ऑल्सो यहाँ पे मैंने पिंक लिपस्टिक वेयर की हुई है तो पिंक लिपस्टिक कोई भी आउटफिट पे जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी पक्का पक्का हिट कर देना ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो आलिया का मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप है, तो वो वाला मेकअप अचीव करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा DIY फेशियल ऑयल एंड इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। और ये वाला जो ऑयल है वो मुझे करेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड थोड़ा बहुत ग्लो भी प्रोवाइड करता है मेरे फेस को। सो मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी इस तरीके से। नाउ फॉर दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी निविया की येलो हाइड्रेशन क्रीम और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो ये आपको उतना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। सो मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी और ये जैसे ही फेस पे अप्लाई होता है वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाती है क्रीम। आई रियली रियली लव द फॉर्मूला। नाउ अपने चीक्स को एक्स्ट्रा ग्लोई बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम अपने पाम पे ले रही हूँ और अच्छे से रब करते हुए अप्लाई कर दूँगी अपने चीक्स पे, तो इससे जो मेरी चीक्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्लो करेगी, नेचुरली ग्लो करेगी। नाउ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा निविया का ओरिजिनल केयर लिप बाम एंड इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। नाउ प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का फेक प्राइमर और इसका मैं 2 pumps ले रही हूँ अपने बैक ऑफ द हैंड पे। नाउ इस प्राइमर में मैं ऐड कर दूंगी मेरा मिस क्लेयर का बेक हाइलाइटर। यहाँ पे मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। लिक्विड हाइलाइटर का फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड नेचुरल लगता है। सो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अंदर अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी और अच्छे से मसाज कर लूँगी। इससे जो फेस है काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 115 आइवरी और ये वाला जो शेड है वो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसका जस्ट मैं 1 drop लूँगी। ना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्नियर बीबी क्रीम, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगी और वो फाउंडेशन मैट फिनिश है, तो इसमें मैं थोड़ी सी बीबी क्रीम भी ऐड कर लूँगी एंड देन मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने बैक ऑफ द हैंड पे और इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी इस तरीके से। आपको सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। नाउ इस फाउंडेशन को मैंने अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है और मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। और यहाँ पे आपको मेकअप ब्रशेस एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर, दिस इज़ इन दी शेड लाइट। नाउ इस पिक्चर में आलिया का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड लग रहा है, उनकी अंडर आई एरिया काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड लग रही है, सो मैं इसे अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई कर दूंगी। मेरे एक्ने मार्क्स जो दिख रही है उसे भी मैं कवर अप कर लूँगी। ब्रिज ऑफ माई नोज़ फोरहेड पे एंड चिन पे भी अप्लाई कर दूंगी ताकि जो मेरा सेंटर पोर्शन है वो हाइलाइटेड लगे। और मैं इस कंसीलर को बीनीथ माई कॉन्टोर भी अप्लाई करूंगी ताकि जब मैं कॉन्टोर करूंगी तो और भी ज़्यादा शार्प लगे। नाउ मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी रोज़ पाउडर, इसमें सनस्क्रीन भी है, आप चाहो तो कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो।
और इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है मैं बस वहाँ पे ही लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी, मैं अपने पूरे फेस को सेट नहीं करूँगी। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो, दिस इज इन द शेड रोजे इन द एयर, एंड उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एक एंगल ब्रश की हेल्प से, एंड उससे मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी। नाउ इसमें जो आलिया के ब्राउज है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं, उन्होंने कोई ब्राउज फिल नहीं किया हुआ है, तो मैं इसे नेचुरली ही फिल करूँगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस ट्रांजिशन शेड और इससे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर दूंगी इस तरीके से। अगर आप इस मेकअप लुक को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कोई हैवी आई शेडो वेयर नहीं किया हुआ है, बस एक सिंगल आई शेडो अप्लाई किया हुआ है, तो ये वाला जो शेड है मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा, मिलता जुलता लगा, इसलिए मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पे, एंड मैं अपने पूरे आईलेट पे भी अप्लाई कर दूंगी। नाउ मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड एंड उसे मैं अपने अपर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करूंगी, मैं क्रीज के ऊपर नहीं जाऊंगी। उनकी जो आईज है वो हुडेड आईज है, तो मैं कुछ वही आई अचीव करने का ट्राई कर रही हूँ। नाउ मैं एक्सेस लूज पाउडर को रिमूव कर लूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, एंड यही सेम पाउडर मैं अपने फेस को भी थोड़ा सा सेट कर लूंगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी 32 कलर आई शेडो पैलेट, एंड उसमें से मैं ये वाला डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, एंड इससे मैं कॉन्टोर कर लूँगी। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, बट डोंट वरी, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड ये परफेक्ट शेड है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, और आप डिफरेंस देख सकते हो। नाउ यही सेम शेड मैं अपनी जॉलाइन पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि उनकी भी जॉलाइन काफ़ी अच्छे से कॉन्टोर की गई है, सो मैं अपनी जॉलाइन को कॉन्टोर कर लूँगी। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का सिंगल आई शेडो, दिस इज़ इन दी शेड 0215, और इस आई शेडो को मैं एज अ ब्रॉन्जर अप्लाई करूँगी। मैं एक एंगल फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, और आलिया का जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉर्म अंडरटोन में है, और ये वाला आई शेडो भी वॉर्म अंडरटोन में है, सो मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर दूंगी एंड अपने फोरहेड को भी अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर लूंगी। अपने नोज़ को सेम डार्क ब्राउन शेड से कॉन्टोर कर लूंगी, इससे जो मेरा नोज़ है वो और भी ज़्यादा स्लिम एंड शार्प दिखेगा, और अपनी फिंगर की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर लूंगी। नाउ मैं ले रही हूँ ये सेम डार्क ब्राउन शेड जो मैंने आईब्राउज के लिए यूज़ किया था, और इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर दूंगी, ताकि जो मेरा आई शेडो है वो बैलेंस्ड आउट लगे। अभी मैं ले रही हूँ ये पेंसिल ब्रश और इसे मैं ट्रांजिशन शेड अपेक करूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर दूँगी। आई लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी इंस्टा लाइनर, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइनर है, मैट फिनिश है, और इसे मैं अपने अपर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर दूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लिमर कोल काजल, और इसे मैं अपनी अपर लैश लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कोल काजल, और ये नूड शेड में है, इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दूँगी, ताकि जो मेरी आईज है वो और भी ज़्यादा ओपन अप लगे। अभी मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, और इससे मैं अपने लैशेस को कोट कर लूँगी। मैं इसका जस्ट एक ही कोट अप्लाई करूँगी, और उन्होंने कोई भी फेक लैशेस वेयर नहीं किए हुए हैं। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर बेक हाईलाइटर, दिस इज़ इन दी शेड 04, और सेटिंग स्प्रे से मैं ब्रश को अच्छे से वेट कर लूँगी एंड देन इस हाईलाइटर को अप्लाई करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से हाईलाइटर का जो पिगमेंटेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है मेरा फेस। फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी मैं, और ब्रिज ऑफ माई नोज, टिप ऑफ माई नोज एंड क्यूपिड्स बो एंड चिन पे भी अप्लाई कर लूँगी।
आलिया का जो ब्राउ बोन है वो भी काफी अच्छे से हाइलाइटेड है, तो मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाइलाइट कर लूंगी। नाउ मैं यूज कर रही हूँ ADS लिप लाइनर, दिस इज इन दी शेड मैजेंटा। और ये वाला जो शेड है वो शायद डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट फिर भी अगर लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल पिंक कलर है, और मैं इसे अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी एंड देन अपने लिप्स को फिल भी कर लूँगी, ताकि जो लिपस्टिक के लिए अच्छा बेस मिल जाए। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ NYB क्रीमी मैट लिपस्टिक, एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है मनहत्तन मेडन, और इसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर दूंगी। दो ये मैट नहीं है, ये बस क्रीमी लिपस्टिक है और ये डेफिनेटली ट्रांसफ़र होती है। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स फिक्सिंग स्प्रे, और इसे मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी एंड देन इसे एयर ड्राई होने दूँगी। फिर मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर, इससे ग्लो दुगना हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं अपने कॉलर बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि उनका कॉलर बोन भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइटेड था। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, और ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है, काफ़ी ड्यूई ग्लोई लग रहा है। ये मेकअप लुक आप कोई भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, ये यूनिवर्सल मेकअप लुक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इस तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को पक्का हिट कर देना, ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। बाय।